हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि वर्मा बनारसी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, जो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखिएगा, बहुत कम मसाले में सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। गर्मी में मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ और गर्म मसाला मैं एकदम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है और मुझे गर्मी बहुत लगती है इस वजह से। और मैंने जो मेरे बरामदे में आप लोग ने देखा होगा ना, मैं 4-5 गमले मैंने रख रखे थे इसी तरह से, तो उसको मैंने थोड़ा सेट किया है और बच्चों ने थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग की है। और किस तरीके से की आप लोग देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा वैसा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जितने भी न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ कारखाने में, मैंने एक लकड़ी का पट्टा रखा हुआ था, पटरा टाइप का, उसको मैं लाऊंगी। और देखिएगा आप लोग इसका मैं क्या करने वाली हूँ। और कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा और आप लोग देखते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसी तरह ज़मीन में रखे हुए थे, उसके बाद फिर मैं छोटा सा पटरा रखी थी, तो फिर मैंने सोचा एक बड़ा वाला है उसको लगाते हैं और ये सब बाकी सब हटा देते हैं, सब फालतू चीज। तो ये सब करने में भी बड़ा समय लगता है। ये जब मैं खाना वाना बना के एकदम फ्री हो गई थी, खा पी के एकदम खाली हो गई थी, मांस धो के तब मैं लेके बैठी थी और बच्चे अपना पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा यही करती हूँ। मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है, अपने प्लांट के साथ समय बिताने में, अपने मोबाइल के साथ समय पास करने में और अपने बच्चों के साथ। बस तीन लोग का साथ मुझे पसंद है, मोबाइल, मेरे बच्चे और मेरे प्लांट्स। इसके अलावा और मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, चौथा अगर कोई है तो मेरे मायके वाले, बस इसके अलावा कोई नहीं। मायके वाले तो ऑब्वियसली सभी के लिए फेवरेट होते हैं और सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और ये मैं रखते रखते थक गई तो मैं बैठ गई पटरा पे ही, और ये इसको रखा। उसके बाद फिर मैं गमला सेट कर रही थी, मुझे ऐसा रखना था कि जो छाए वाले पेड़ हैं उसको एक तरफ रखने थे और ये गेट के सामने मुझे ऐसे रखने थे जिस पे धूप वाले पेड़, क्योंकि धूप भी आती है तो बस सुबह जब धूप निकलता है ना, आकाश में चढ़ता है तब से लेके कम से कम, आजकल तो थोड़ा जल्दी चला जा रहा है धूप, 11-12 बजे तक, नहीं नहीं हाँ 11 बजे तक चला जा रहा है, नहीं 12-1 बजे तक धूप मेरे घर में बना रहता है कॉन्टिन्यू, एकदम खोलने लग। ये सब मैंने सेट किया। उसके बाद ये हुआ कि पटरा है तो लकड़ी का है, पानी वानी पड़ेगा ख़राब हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ पोस्टर टाइप के पन्नी वाले रखे थे, उसको मैंने पटरे पे पूरा लगा दिया टेप से चिपकाने के बाद। उसके बाद देखिए लोग, आप लोग, सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं और बच्चों ने कुछ लाइट्स वगैरह लगाए हैं, आप लोग को मैं दिखलाती हूँ थोड़ा सा। टन टन, ये देखें आप लोग, दिख रहे हैं आपने, ये बोतल है, मेरे ख्याल से विस्की वगैरह की बोतल होगी, उसी में फेरी लाइट इन लोग डाल के, बच्चे मेरे दोनों डाल वाल के लटका दिए हैं, एक पुरानी पेंटिंग पड़ी हुई थी वो लटका दिए हैं, सब अच्छा लग रहा है। रात के समय लाइट वाइट बंद करके सब जला देते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए। और ये है मेरा बन रहा है छोले भटूरे। रात के समय मैंने प्याज, जीरा, तेजपत्ता और मिर्चा तो मैंने पीस के डाला था, इतना का तड़का दे दिया है। और जिसमें मेरे में लहसुन, मिर्चा, प्याज, अदरक पिसा हुआ था और उसमें मैंने मीट मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये यूज़ किया था। गरम मसाले मैं नहीं यूज़ करती गर्मी में, मैं वैसे भी नहीं जल्दी यूज़ करती हूँ। और मेरे मटर के, मटर काबुली चने के मैं बना रही हूँ, उबाल के मैंने आलू और मटर रख लिया है। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी मसाले में डाला है, क्योंकि काबुली चने का जो छोला होता है ना वो हम लोग को हल्का मीठा पसंद है, हल्का सा मिठास रहे उसमें, और ये मैंने उसमें डाल दिया। मेरे मसाले भुज गए थे, उसमें फिर मैंने अपने छोले डाल दिए हैं और आलू को सबको मैं मसल दूंगी ताकि ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ये वाली चने, काबुली चने की जो ग्रेवी होती गाढ़ी नहीं होती है ना, इसीलिए आलू मैंने डाले थे कि मसल जाएंगे तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और जो वो मटर होता है ना, सूखा मटर होता है उसका, तो वो तो गाढ़ा हो जाता है उबालने के बाद, लेकिन ये नहीं हो पाता है। और मेरा छोला रेडी है। उसके बाद मैं भटूरे की तैयारी कर रही थी। भटूरा में मैंने नमक डाला था, सोडा डाला था और मैंने क्या डाला था, सोडा मोइन दिया था, इतना चीज़ दिया था। और मैं बना रही थी, मेरी बेटी फ्राई कर रही थी फटाफट। मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, पसीने से हम दोनों नहा चुके थे, इसीलिए सिर्फ एक ही भटूरा, एक ही दो भटूरा का मैंने रिकॉर्डिंग किया।
जो कि बस फटाफट बनाओ और हटो, किचन में से निकलो किसी तरह से। और फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए छोले भटूरे।